हिमाचल प्रदेश में मानसून इस बार कहर बनकर बरस रहा है। जुलाई माह की बात करें तो प्रदेश में मानसून के दौरान जमकर बारिश हुई है, जिसमें प्रदेश में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी। जुलाई माह में 452 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि 140 लोगों की मौतें हो गई है और 6 लोग लापता है। इस दौरान कई लोगों के सर से छत भी छीन गई है। लैंडस्लाइड से 73 भवन क्षतिग्रस्त है, जबकि 100 से अधिक भवनों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा मवेशियों की भी मौतें हुई है। प्रधान सचिव ओमकार चंद शर्मा ने कहा कि इस बार प्रदेश में मानसून में जमकर बारिश हो रही है। जुलाई माह में सामान्य से ज्यादा इस बार बारिश हुई है। प्रदेश में हो रही बारिश से भारी जानी और माल का नुकसान हुआ है। प्रदेश में 140 लोगों की मौतें हुई है, जबकि 6 लोग लापता है। इसके अलावा घरों को भी नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा मानसून से निपटने के लिए जिला उपायुक्त से बैठकें की गई थी और सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय समय पर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, खासकर पर्यटकों को पहाड़ों में यात्रा करते हुए एहतियात बरतने की अपील की जाती है। काफी देरी के बाद शुरू हुआ है, 29 जून के बाद मानसून जो है हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ है और अभी तक जो है हमारा जून माह में जो -34% जो है वो सामान्य से नीचे था, -34% बारिश हुई थी। लेकिन जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में बहुत भारी बरसात हुई है और सामान्य से लगभग 12% जो है अधिक बारिश हुई है और उसी ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत सारे पे लैंडस्लाइड हुए हैं, फ्लैश फ्लड आए हैं, क्लाउड बर्स्ट की भी एक दो जगह से सूचनाएं हैं। उसकी वजह से हमारे बहुत सारी जान माल के नुकसान हुआ है। अभी तक बरसात के मौसम में लगभग 140 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और जिनमें से 6 लोग, इसके अलावा 140 के अलावा 6 लोग जो है वो फ्लैश फ्लड में मिसिंग है। साथ साथ में हमारे 104 जो हमारे एनिमल लॉस हुआ है और 73 हमारे पूरे 73 जो हाउसेज हैं वो कच्चे और पक्के मिला करके फुली डैमेज्ड हैं और 182 जो है पार्शली डैमेज्ड मकान है और कौशेड भी 212 के लगभग हमारे ये इसमें बारिश हुए हैं। तो कुल मिला करके अभी तक जो है 31 जुलाई 2022 तक जो है 452 करोड़ रुपए का जो लॉस है वो अभी तक असेस किया है। ये मैंने जैसे कि बताया कि जुलाई में जो नॉर्मल सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है उसके कारण जो है नुकसान ज़्यादा हुआ है। ओवरऑल अगर हम जून और जुलाई की बात करें मानसून की तो वह सामान्य से लगभग 6-7% जो है वो कम है, जिसको कि हम सामान्य मानसून बोलते हैं। और जो IMD की जो फोरकास्ट है इस वर्ष की वो सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से अभी नुकसान हुए हैं लगता है कि इस बार जो नुकसान जो है ज़्यादा होने की संभावना है। लेकिन पर्यटक हैं और कोई जो भी हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं उनको सबसे मेरी यही गुजारिश है कि जो भी स्थानीय जो प्रकार की जितनी भी एडवाइजरी होती हैं उनका विशेष ध्यान रखें और क्योंकि बरसात के मौसम में कभी भी कुछ हो सकता है, उनको अनजाना ना करके जैसे भी जिला प्रशासन द्वारा हिदायत दी जाती है किसी पर्टिकुलर रोड पे जाना है या नहीं जाना है तो उसका विशेष ख्याल रखें ताकि जो अति उत्साह में जो कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है उससे बचा जा सके। कोई मानसून का हो जाता है, जब मानसून खत्म हो जाएगी उसके बाद जो हम जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे लॉसेज हैं उसका एक मेमोरेंडम बनाकर भारत सरकार को भेजा जाएगा और उसके बाद एक सेंट्रल टीम आती है वो असेस करती है और जो भी राहत होती है उसके जो है उसके बाद दी जाती है।